हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टाइप रीडिंग ट्रेंड। जैसे मैंने आप सबको बताया कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपके व्हाइट स्पेल्स कमिंग सून होने वाले हैं, तो वन ऑफ द वीडियोस हमारी आज की है व्हाइट स्पेल्स के ऊपर। तो बेसिकली हमारे चार वीडियोस होने वाले हैं व्हाइट स्पेल्स के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको तरीका पहले बताने वाला हूँ कि व्हाइट स्पेल्स के लिए आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है, किस टूल्स की ज़रूरत है, मंत्रास की कैसे ज़रूरत है, एरिया को कैसे सेटअप करना है एंड सेम टाइम बाकी रिलेटेड चीज़ें, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके, ताकि आप कम्प्लीटली जब ये चारों वीडियो के साथ रेडी हो सके, वन बाय वन हम फिर अपलोड करते जाएंगे ये वीडियो, ताकि आप इन सब के साथ रेडी हो जाए, प्रिपेयर करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाए एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आफ्टर द फोर वीडियोज वी कैन ऑल स्टार्टअप विद द व्हाइट स्पेल्स, ताकि ये व्हाइट स्पेल जो है आपकी लाइफ के अंदर खुशहाली और सक्सेसफुलनेस आपकी पूरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ एंड द एरिया अराउंड यू में लेके आ जाए, सेम टाइम सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सके। पहले बात करते हैं कि व्हाइट स्पेल्स क्या है। व्हाइट स्पेल्स बेसिकली एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ के चीज़ों की इस्तेमाल करते हुए। इस दुनिया ने हमको क्या क्या दिया हुआ है, इस धरती से हमें क्या क्या मिला हुआ है, इस धरती की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम हमारी ज़िंदगी से पूरी नेगेटिव एनर्जी, नज़र, बुराइयाँ, हर एक चीज़ हटा के सिर्फ और सिर्फ खुशहालियाँ लेके आ सकते हैं और अच्छी चीज़ों का हमारे और आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पहली ज़रूरी चीज़ हम जब हम बात करते हैं ये व्हाइट स्पेल्स के अंदर, तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ऑल्टर रूम। हम सब जानते हैं कि हम एक डिवाइन पीस है, हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है और हम सब एक मैजिकल पीस है, और जब ये मैजिकल पीस साथ में जुट जाती है तो डबल एक सुपर मैजिकल क्रिएशन क्रिएट हो जाता है, और ये सुपर मैजिकल फीलिंग आप कर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप अपने सराउंडिंग्स के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही खुशहाली का सिस्टम ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी ये है कि आप एक स्पेशल सीक्रेट हिस्सा अपने रूम का रखिए, जैसे कि एक पूजा रूम हो गया। अगर आपके पास ऑलरेडी पूजा रूम है तो फिर उसके अंदर थोड़े से चेंजेस जो हमें करने हैं वो कर लीजिए, और अगर पूजा रूम नहीं है, एक वॉल के ऊपर ये स्पेसेस, स्पेशली फ्लैट्स के अंदर आपके पास खाली एक वॉल का हिस्सा हो जाता है जहाँ पर आप अपने मूर्ति या तो अपने ये फ्रेम्स लगा के रख सकते हैं या पोस्टर्स जिसके थ्रू आप पूजा करते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। बस क्या है, थोड़े से चेंजेस जो हमें करने हैं वो ये है कि सबसे पहली चीज, अगर स्पेशल रूम नहीं है तो स्पेशल रूम का अरेंजमेंट कर लीजिए, नहीं तो वॉल का दीवार भी चल जाएगा एटलीस्ट 2 to 3 tiles के लिए। वहां पर आप पिक्चर्स लगा दीजिए, सिंबल्स, हमारे रिलीजन बेस्ड सिंबल्स, पिक्चर्स, मूर्ति, कुछ भी ऐसे सेक्रेट रिलेटेड जिस गॉड के अंदर आपको बिलीफ है उनकी मूर्ति, ये सब वहाँ पर कुछ ना कुछ लगा दीजिए आप। इवन साइंस, सिंबल्स, ये सब बहुत है। ये सब लगवाने के बाद तीसरी चीज़ हमें जो करनी है वो है एसेंस स्टिक। ऐसे किस्म की एसेंस स्टिक हमेशा जला के रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के एरिया जो के अंदर एक स्मेल भी बहुत अच्छी आती है, सेम टाइम शुद्धि भी हो जाती है हवा की एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव एनर्जी भी चले जाती है। तो एटलीस्ट इन 24 hours उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर दिया जलने के साथ साथ एक एसेंस स्टिक का भी जलना 2 or 3 times a day इन 24 hours इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड बहुत ही अच्छा है। सेम टाइम अभी चौथी चीज़ ये है कि हमारे 5 elements, हम जानते हैं कि हमारे 5 elements है अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पिरिट। इन 5 elements का वहाँ पर होना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक वुडन बाउल या एक ग्लास बाउल हो सकता है, क्योंकि हम वाइट स्पेल्स के अंदर या मैजिकल क्रिएशंस के अंदर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मेटल नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। तो हम यूज़ करेंगे ग्लास बाउल या वुडन बाउल। इन बाउल के अंदर आप मड भी रख सकते हैं अर्थ के रिलेटेड एलिमेंट अर्थ के लिए, आप सॉल्ट भी रख सकते हैं, सॉल्ट बहुत ही अच्छा एनर्जी कैचर है, नेगेटिव एनर्जी को कैच करके कम्प्लीटली दूर कर देता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। वाटर की बात करें तो इन्हीं ग्लास बाउल के अंदर या वुडन बाउल में आप थोड़ा सा पानी रख लीजिए, वहाँ पर कोई भी पानी, नल का हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर हो जाए, क्लीन वाटर आप रख सकें वहाँ पर जो यूज़ ना हो। तीसरी चीज़ हमारे फायर के लिए आप ऐसे कैंडल या ऐसे कैंडल जला के रख सकते हैं। इवन एसेंस स्टिक का कैंडल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें भी फायर की तरह ही कुछ बर्न होता रहता है ऑब्वियसली, एंड सेम टाइम एसेंस भी हो रहा है, तो एयर एंड फायर दोनों का काम एक ही एसेंस स्टिक में हो जाता है। अगर आप अलग रखना चाहते हैं तो फायर के लिए आप ऐसे कैंडल रख लीजिए और एयर के लिए आप एसेंस स्टिक भी लगा सकते हैं या तो एक फेदर भी रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है एयर का। तो एयर का हो गया, फायर का हो गया, वाटर तो आपके लिए मैंने कह दिया था, अर्थ के लिए मड या सैंड या तो सॉल्ट के साथ आप रख लीजिए ग्लास बाउल्स के अंदर।
पांचवी चीज स्पिरिट के लिए, तो ऑब्वियसली स्पिरिट के लिए कि आपको वहां पर कंटिन्यूस मंत्रा की चैंटिंग्स या तो फिर वहां पर आपको जो है मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो एरिया जहां पर मेडिटेशन होता है, जहां पर मंत्रा की चैंटिंग होती है, वो एरिया कंप्लीटली हवा के साथ साथ पूरे अप एंड डाउन एवरी एंगल से शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो उस चीज़ को हम और बेटर कर सकते हैं इसी तरीके के ऊपर, ताकि ये पाँच चीज़ें साथ में जुड़ के एक कम्प्लीट फीलिंग बना सके। तो अभी आप समझ गए कि हमने ये सब किया है, ये है अल्टर रूम, तो हमने एक अल्टार वहाँ पर रेडी किया है। इस अल्टार के अंदर हमने किया है नंबर वन एसेंस स्टिक का उपयोग, हमने किया है वहाँ पर पिक्चर्स और सिंबल्स लगाने का उपयोग, तीसरी चीज़ हमने वहाँ पर एक स्पेशल रूम जो है हमने जो क्रिएट किया है ये है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के एलिमेंट्स का इस्तेमाल, हमारे पाँच एलिमेंट्स अर्थ वाटर फायर एंड ये सात सात स्पिरिट्स, इन पांचों का क्या इस्तेमाल करेंगे और कैसा हम वहाँ पर रखेंगे। तो हमने बेसिकली ये सब का इस्तेमाल किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी हम मैं आपको बताऊंगा कि आपको मंत्रा के लिए क्या करना है। तो अगले वीडियो के लिए आपने रेडी रहना है एक पेंसिल के साथ, एक पेपर के साथ, ताकि और एक फ्रेश माइंड के साथ। पेंसिल, पेपर और फ्रेश माइंड, पेपर इन द फॉर्म ऑफ पैड भी हो सकता है आपका, एक बुक पैड, तो एक बुक पैड, पेंसिल और ये रखिए वहाँ पर। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि पेंसिल और एक पैड का इस्तेमाल करना है, तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है और एक फ्रेश माइंड की ज़रूरत है, ताकि सब चीज़ को एक साथ जोड़ के हम हमारे सेकेंड वीडियो के लिए प्रिपेयर पहले से रह सके। सो मिलते हैं जल्द सेकेंड वीडियो हमारे वाइट स्पेल्स पार्ट टू के लिए।